अच्छा, ये ऊपर वाले पॉइंट्स नोट कर लिए थे हम लोगों ने ना, और ये पॉइंट कंप्लीटली नोट कर लिया कि नहीं किया? अच्छा, सर ये कार में है, 1 मिनट कर लो। सर। लेक्चर कितने बजे था सर? 2-4 मिनट और बस। सर ओके 1 मिनट। ओके। डन सर। कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स लेस इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम एटम विथ अदर एटम ड्यूरिंग फॉर्मेशन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। अब बेस्ड ऑन कोवेलेंसी, लाइक इफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर दो एटम के बीच में शेयर हो रहे हैं, वी से दैट कोवेलेंसी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर एक्चुअली हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। लाइक कोवेलेंसी 1, और जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो सकते हैं, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम कंट्रीब्यूट करके दे दे और दूसरा वाला कुछ भी ना दे। ठीक है, तो एक्चुअली पहले दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हुआ करते थे, देयर यूज्ड टू बी कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट इज सेकेंड टाइप, जहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आते हैं और दूसरा वाला बिना कुछ दिए हुए उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, और कोवेलेंसी होता था जिसमें दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू न्यूअर डेफिनेशन, इंटरनेशनल डेफिनेशंस, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स हैज बीन मर्ज्ड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड्स। दे आर नो मोर अ इंडिपेंडेंट टाइप, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सो वी हैव टू अकोमोडेट ऑल दोज थिंग्स इनटू और व्हाइल डिफाइनिंग द कोवेलेंसी या उसके बेसिस पर आगे की चीजें। ये कोवेलेंसी कितना है इसके ऊपर हमको ये भी पता चलता है कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है उसका कितना काउंटिंग है। इज देयर गोइंग टू बी वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंसी अगर 1 है किसी भी एटम की, तो या दो एटम को मिलाकर के कोवेलेंसी 1 है, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो वी से दैट कोवेलेंसी इज 1 एंड या सिंगल बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, कोवेलेंसी 2 रहेगी तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, एंड कोवेलेंसी 3 रहेगी दोनों एटम्स की तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको ट्रिपल बॉन्ड इज गोइंग टू गेट फॉर्म्ड। ठीक है, सो कोवेलेंसी एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इफ कोवेलेंसी इज 1 देयर विल बी सिंगल बॉन्ड
इफ कोवेलेंसी इज टू देयर इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड, ठीक है. इफ कोवेलेंसी इज गोइंग टू बी थ्री थ्री इट विल बी ट्रिपल बॉन्ड. बॉन्ड ठीक है. और आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. नेक्स्ट डे यानी कल के दिन में विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोर अबाउट दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स. देयर आर अ लॉट टू बी डिस्कस्ड. सो विल Start discussing them. अरे यार, पोटेंशियल एनर्जी वाली बात लिखवाई नहीं ना, चक्कल उसको लिखवा दूंगा. जो उधर समझाया है उसको यहां पर एज अ पॉइंट नहीं लिखवाया, सो आई विल टेक इट डाउन टुमारो. ठीक है. ओके सर. एंड देन वी विल स्टार्ट विद वेरियस थियरीज पर्टेनिंग टू covalent bonds. The first will be Lewis-Caussell theory, VBT, Weisseper and MOT. So we'll start doing these things one after other. Okay. Sir, हाँ बोलो ना. Tuesday की और आज की recording.